किसी को मरते हुए देखना दुनिया के सबसे बुरे अनुभवों में से एक होता है। हम इंसानों के लिए तो शायद ये सबसे बुरी चीज है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी मौत भी खूबसूरत होती है। जरा इसे देखिए, ये है सदर्न रिंग नेबुला, एक मरता हुआ तारा। ये अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। यह एक प्लैनेटरी नेबुला है। जब सूरज के द्रव्यमान का कोई तारा मरता है तब वो सुपरनोवा या फिर ब्लैक होल नहीं बनता, बल्कि वह धीरे धीरे करके अपनी बाहरी परत को अंतरिक्ष में फेंकने लगता है, जिसकी वजह से गैसों का एक खूबसूरत सा बादल बन जाता है। इसे ही प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है। अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक कर वह मरता हुआ तारा वाइट ड्वार्फ बन जाता है। यह नेबुला हमारी पृथ्वी से 2000 लाइट ईयर्स दूर है और इसका डायमीटर 0.4 लाइट ईयर्स है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस नेबुला से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व किया है, और क्या है वो मिस्ट्री जानेंगे आज के इस वीडियो में। जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले भी कई टेलीस्कोप्स ने इस नेबुला को ऑब्जर्व किया था। यह तस्वीर हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई है। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि इस नेबुला के सेंटर में एक ही तारा है। वैज्ञानिकों ने जब इस तारे को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये तारा अभी जवान है और इसकी मौत में अभी बहुत ही टाइम बाकी है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि इसके आसपास जरूर कोई मरता हुआ तारा होगा, जिसकी वजह से इस नेबुला का निर्माण हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी टेलीस्कोप इस मरते हुए तारे को नहीं ढूंढ पा रहा था। लेकिन फाइनली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यह काम कर दिखाया। 12 जून 2022 को इस टेलीस्कोप ने अपने मिरी इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस नेबुला को ऑब्जर्व किया था और ये तस्वीर ली थी। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस नेबुला के सेंटर में दो तारे हैं, एक ज्यादा चमकीला है और एक थोड़ा कम। यही वो मरता हुआ तारा है जिसे कोई भी टेलीस्कोप नहीं ढूंढ पा रहा था। यह एक वाइट ड्वार्फ स्टार है और इसका टेम्परेचर 1,00,000 केल्विन है। इन दोनों ही तस्वीरों में आपको जो ब्राइट तारा दिखाई दे रहा है वो अभी बहुत ही जवान है। एक वक्त आएगा जब उसकी भी मौत होगी और मरते हुए ये तारा कुछ ऐसा ही खूबसूरत नजारा पेश करेगा। इस नेबुला को 8-ब्रस्ट नेबुला भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार नंबर 8 के जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आकार तो गोलाकार है, फिर मैं इसे 8 क्यों कह रही हूँ। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस नेबुला को सामने की ओर से देख रहे हैं। अगर हम इस नेबुला को रोटेट कर दें और इसे 3D में देखें तो हमें दिखाई देगा जैसे दो कटोरियों को उनकी पेंदी की साइड से एक दूसरे के साथ रख दिया गया है। और अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका आकार नंबर 8 के जैसा ही है। सदर्न रिंग नेबुला की इस तस्वीर में अभी एक और चीज है जो आपको देखनी चाहिए, और वो है ये लाइन जैसा स्ट्रक्चर। शुरुआत में तो इसे देखकर एस्ट्रोनॉमर्स ने ये सोचा था कि ये एक गैस फिलामेंट है जो इस नेबुला का ही हिस्सा होगा, और बाद में पता चला कि ये एक गैलेक्सी है जिसका किनारे वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हबल द्वारा ली गई तस्वीर में ये गैलेक्सी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जेम्स वेब द्वारा ली गई तस्वीर में हम इसे साफ साफ देख पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप विजुअल वेवलेंथ में काम कर रहा है और जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड में। इंफ्रारेड में फंक्शन करने की वजह से यह टेलीस्कोप गैस और धूल के आर पार भी देख सकता है, इसलिए इस तस्वीर में हम इस गैलेक्सी को देख पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप इन तस्वीरों के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप या फिर उसकी भेजी गई तस्वीरों के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और इंतजार करते हैं जेम्स वेब की अगली तस्वीर का।